हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम दिवेश और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास एक मोटरोला का फोन है, मोटरोला H30 फ्यूजन करके इसका नाम है और शायद ये पहला मोटरोला का फोन है जो मैं अपने इस चैनल पे अनबॉक्स कर रहा हूँ। इस फोन की एक स्पेशलिटी है कि ये कलर ऑफ द ईयर के साथ आ रहा है। कलर ऑफ द ईयर है एक्सपायरी का वीवा मेजेंटा और वो पेंटोन वालों ने किया है। अब जिनको नहीं पता है पेंटोन वाले कलर एक्सपर्ट्स के नजर आते हैं तो उन्होंने ये कलर ऑफ द ईयर की लिस्ट में डाला है और ये फोन उसी कलर के साथ आ रहा है। तो रफ जैसा बॉक्स है आपका एंड मोटरोला की ब्रांडिंग विद फोन का नाम और इसका जो पेंटोन कलर है उसका नाम। लेफ्ट साइड पे प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है वो हमें दिख रहा है। राइट साइड पे देखो तो मोटरोला की ब्रांडिंग आ रही है। ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया नियर अबाउट 40,000 का, तो उसका अटैग है। और यहाँ पे आपकी एक सील है, टेम्पर प्रूफ सील है, तो बेसिकली इसकी अथेंटिसिटी बताती है कि शायद इसमें किसी से छेड़खानी ना की हो। टैग पे देखे तो इसमें और बहुत सारी डिटेल्स है। ऑब्वियसली बात है 5G कंपैटिबल फोन है आपका। टॉप की बात करें तो थोड़ी बहुत और डिटेल्स है कि मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या है, इसका कहाँ बना है। 50,000 का इसमें MRP दिया गया है और December 2022 का मैन्युफैक्चर हुआ है। बॉटम पे देखें तो थोड़े से IMEI नंबर देखने को मिल जाते हैं। 8/128 GB के साथ आ रहा है। वीवा मेजेंटा इसका कलर है। इसमें दो और कलर आते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। भाई खोल के हमें ऐसे देखने को मिल जाता है, ये हमारा फोन है बहुत अच्छा सा पैक्ड और यहीं से ही मुझे कलर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस फोन को पहले साइड रखते हैं। अब देखिए इसकी सारी पैकेजिंग जो इन्होंने प्लास्टिक प्रूफ कही है, तो एक्चुअली मैं इन्होंने सही बोला है क्योंकि ये सारी कवरिंग प्लास्टिक में होती थी, बट ये चार्जर वगैरह भी आपके पेपर में कवर्ड है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये हमें चार्जर देखने को मिल जाता है, थोड़ा भारी सा चार्जर है एंड थोड़ा लंबा सा डिजाइन है इसका। तो मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ इसका चार्जर आ रहा है। यहाँ पे 68 लिखा है, बेसिकली 68 वॉट्स का चार्जर है। टाइप सी पोर्ट इसमें लगता है और अंदर ऑरेंज कलर है, तो डिटेलिंग का ध्यान दिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं चार्जर की डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। अब एक हमें काफी मोटी सी केबल देखने को मिल जाती है और ये एज यूजुअल C2C टाइप केबल है और मैं सच बोल रहा हूँ बहुत हाई क्वालिटी है। चूने से पता लग रहा है तार इतनी सॉफ्ट और मोटी है। दोनों सी टाइप है, अंदर से रेड है, तो ब्रांडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। जो टॉप था बॉक्स का उसके नीचे हमें एक चीज़ देखने को मिल जाती है, तो ये भी आपको पता ही है प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। इसको खोल लेते हैं। आपकी कुछ यूजर मैनुअल और क्विक स्टार्टअप गाइड है इसमें जो देखने को मिल रही है। एक हमें बहुत अलग सी शेप का, यूनिक सी शेप का सिम एजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है और एक हमें केस देखने को मिल जाता है। अब ये केस हार्ड केस है। तो भाई अब बात करते हैं इस मेन फोन की और इसको खोल के देखते हैं। तो ये भी भाई प्लास्टिक नहीं है, पहले बता दूं, ये भी पेपर जैसा है कुछ। तो ये भाई सुंदर सा कलर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने को, बहुत प्रीमियम फील दे रहा है सच बोलूँ तो। फ्रंट से भी ऐसा है, तो ये फ्रंट से थोड़ा थोड़ा S20 Plus की तरह देखने को लग रहा है। मेरे पास S20 Plus ही है सैमसंग का एंड सेम लगता है वो सामने से, बस उसका जो ये सामने कैमरा है वो थोड़ा छोटा और ऊपर है। फटाफट से फोन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बैक में हमें इसका बहुत सुंदर सा कलर मिल जाता है और यहाँ पे आपको मोटरोला की शाइनी ब्रांडिंग और साथ में पूरा कलर अगर आप देखें तो ये आपकी अलग सी लेदर फिनिश टाइप के साथ आ रहा है। नीचे आपको इसमें वही पेटॉन कलर वाली ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है कि वीवा मेजेंटा पेटॉन के थ्रू हुआ है। तीन कैमरास हमें देखने को मिलते हैं विद फ्लैश, जिसमें मेन शूटर आपका 50 मेगापिक्सल का है एंड ये बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए और दो कलर स्कीम्स के साथ है, तो बहुत सोच के बहुत सुंदर सा बनाने की कोशिश की गई है। और एक सच बात बोलूं तो फॉर्म फैक्टर भी बहुत अच्छा है, पकड़ना लाइट वेट और हाथ में पकड़ने की फील इसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। साथ ही साथ कवर के साथ भी एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। तो ये लगाया कवर के साथ, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कवर है, बहुत प्रीमियम और स्लीक लुक दे रहा है इसका कवर। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन, बहुत एग्जैक्ट प्रोटेक्शन तो नहीं मैं बोलूंगा, कैमरास के लिए है प्रोटेक्शन, एजेस प्रोटेक्टेड है तो ये प्रोटेक्शन कर रहा है। फोन का फोम फैक्टर इसने नहीं मारा है, ये कवर आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। अगर टॉप की बात करें हमें बस एंटीना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और चपटी सी टॉप देखने को मिल जाती है। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक साथ में डॉल्बी एटमोस का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। देख सकते हैं कैमरा बल्ज कितना है, यहीं से काफी बड़ा दिख रहा है। राइट साइड की बात करें तो आपको वॉल्यूम कीज और साथ ही साथ पावर की देखने को मिल जाती है और अगर आप पास से देखें तो वॉल्यूम की भी डिविजन की गई है और अगर आप थोड़ा और फोकस करें तो वॉल्यूम कीज पे थोड़ा सा पैटर्न है ताकि आपके हाथ स्लिप ना और आप इजिली यूज कर पाए। तो बहुत अच्छे से डिटेल्स ध्यान में रख के ये बनाया गया। लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको और एंटीना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, बट ऑब्वियस क्योंकि 5G है तो एंटीना बैंड्स थोड़े ज्यादा लगते हैं। बॉटम पे अगर आप देखें तो आपको एंटीना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत प्लेन सी बॉटम है इसकी। आपका स्पीकर ग्रिल्स है, माइक है, टाइप सी पोर्ट है, साथ ही साथ आपका सिम पोर्ट है। इसको खोल के देखते हैं। तो ये है आपका सिम स्लॉट इसका, इसमें कोई भी SD कार्ड नहीं लगता है, सिम 1 और सिम 2 नैनो सपोर्ट करता है। अब फ्रंट की बात करें, फ्रंट बहुत अच्छे देखने को, बहुत क्लीन लुकिंग है। साइड एज वाला
वाला ग्लास है इसमें अगर आप देखें तो ये देखने को बहुत प्रीमियम फील देता है, बहुत अच्छा लगता है साइड वाला ग्लास। हाँ बट यूज़ करने के लिए कई बार एक्सीडेंटल टचेस लगते हैं, वो एक दिक्कत आती है। आई होप इन्होंने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन अच्छे से की हो, बट हाँ ये इसकी प्रीमियम फील दे रहे हैं। फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने को मिलता है, ये अगर थोड़ा सा और ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट हाँ इसको फटाफट से बूट अप कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है। तो भाई बहुत 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 तेज बूट हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज। हेलो मोटो की लेजेंडरी ट्यून भी दी इसने। तो इंग्लिश इंडिया स्टार्ट पे स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है देखने से, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फटाफट से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अब एक चीज़ इन्होंने गड़बड़ कर दी है, बहुत नीचे लगा दिया, ऐसे गिरने का डर रहता है। थोड़ा सा यहाँ रहता फिंगरप्रिंट स्कैनर तो बेटर रहता, ये चीज़ सैमसंग को समझ आ गया, मोटरोला को उनसे कुछ सीखना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे है, फ़ोन की लोकेशन एकदम ऐसे हो रही है कि ऊपर से वो हैवी हो रहा है, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी टाइम ले रहा है थोड़ा रिकॉर्ड होने में। तो ये है भाई, फोन ऑन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। डोंट नो कैमरा में आपको कैसा लग रहा है, बट लाइव में मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। एज ग्लास बहुत प्रीमियम फील दे रहा है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है लोगों की, कईयों को पसंद होता है कईयों को नहीं, मुझे पर्सनली एज ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट इसमें 144 हर्ट्ज का आता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑटो पे भी है तो AI इसको खुद यूज़ करेगा, तो आप चाहे 144 चलाए विच इज़ डैम स्मूथ, जो आप देख सकते हैं। एंड इंस्टेंट स्विच हो गया तो बहुत फास्ट फ़ोन है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ऑटो आपका खुद सिलेक्ट करता है कितना आपको डिस्प्ले रेट चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ बात करें तो डार्क थीम पे भी ये चलता है, एंड डार्क थीम ऑप्टिमाइज अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है, वैसे तो ब्रांड्स बहुत अच्छे से करती है। एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, नवंबर 2022 का पैच है। जैसे ही मैं वाईफाई से कनेक्ट करूंगा आई एम डैम श्योर कि ये एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे अपडेट हो जाएगा। एंड ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे तो एटलीस्ट अपडेट हो ही जाएगा, क्योंकि मोटरोला एक अच्छी ब्रांड है। तो एंड्रॉइड 12 के साथ हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, ऑफकोर्स हमें अपडेट इसकी मिलेगी कुछ साल। तो हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो 8GB के रैम के साथ आता है, विच इज़ मोर देन इनफ मेरे हिसाब से आज की डेट में। 128GB की स्टोरेज है, जो हाँ मुझे लगता है कि थोड़ी कम है, 256 होनी चाहिए बेस। डिस्प्ले 2400x1080 के साथ आ रही है, NFC वगैरह ये सपोर्ट करता है। भाई चलाने में इसकी स्क्रीन बहुत स्मूथ है, इसमें प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को हमें मिल जाता है। फटाफट से इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी एक बार चला के देख लेते हैं, फास्ट है भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कीज़ की पोजिशनिंग भी बहुत अच्छी है। फिलहाल अभी जितना मैं चला रहा हूँ एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन मुझे ठीक लग रही है, स्मूथ लग रहा है। अब सब कुछ तो देख लिया, मेन एक कैमरा होता है जो लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, उसको भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो कैमरा की बात करें, कैमरा में स्लो मो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब स्लो मो अगर आप डिटेल्स देखो तो आपकी 240 और 960 फ्रेम्स सेकेंड्स तक ये चला जाता है, तो 960 सुपर स्लो होता है, और दो तीन ही कंपनीज है जो 960 कर रही है, जिसमें से ये भी अब एक इंक्लूड हो गई है। नॉर्मल वीडियो का मोड देखने को मिल जाता है, अब इसमें अलग अलग रेशोज आप डाल सकते हैं, कितने की भी आपने करनी है, 9:6 या उससे बढ़ेगी। एंड साथ ही साथ फुल HD और 8K में भी ये सपोर्ट करता है, तो भाई हाँ 4K 8K फुल HD सब पे ये आपका रिकॉर्ड करेगा। फोटोज़ की बात करें तो फोटोज़ में भी आपकी अलग अलग रेजोल्यूशंस देखने को मिल जाती है, HDR देखने को मिल जाता है, फिर इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड का आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है, प्रो मोड्स आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप सारी सेटिंग्स इसमें चेंज कर सकते हो। और अगर आप और डिटेल्स देखो तो और भी इसमें है, आपके डुअल कैप्चर है जो फ्रंट और बैक लेता है, स्पॉट कलर, AR स्टिकर्स और बहुत सारी और चीज़ें भी है। AI सेटिंग्स अलग से, जो स्मार्ट कैप्चर है कि हाथ से कैप्चर कर लिया वगैरह वगैरह, तो सिंपल सेलिंग पॉइंट्स हैं इसके थोड़े से। गूगल लेंस इसमें इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। अब अगर वीडियो की बात करें तो हमने देखा था ये एफिशिएंट वीडियो भी स्टोर कर सकता है, तो H.265 फॉर्मेट के साथ ही आ रहा है, हाई एफिशिएंसी वीडियो सपोर्ट करता है, स्टेबलाइजेशन भी करता है, एंड HDR10 भी सपोर्ट करता है। बट HDR10 के लिए बोल रहा है कि ये मेन लेंस को सेट करेगा 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, तो अगर उससे ऊपर जाना है तो HDR10 ऑफ करना पड़ेगा। फटाफट से इसके एक दो सैंपल्स खींच के देख लेते हैं। तो बड़ी जनरल सी फोटो खींचता हूँ मैं फटाफट। मैक्रो भी ये काम करता है, मुझे ऑप्शन भी दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्लियर आई है। इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत डस्ट के पार्टिकल्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट जो इसके ऊपर टेक्सचर है इसके मेटल पार्ट के ऊपर वो भी देखने को अच्छे से मिल रहा है। थोड़े से सैंपल्स खींच के मैं आपको डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। तो इसके कुछ सैंपल्स हैं, जैसे मैक्रो मोड मैंने एक लिया है छोटे से फिगर का, बैक में आप देख सकते हैं इसने ब्लर आउट किया है, थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है मुझे ऐसा लगता है। अभी फ्रंट में मैक्रो मोड है आप देख सकते हैं, बैक में इसने ट्यूब ब्लर आउट करने की कोशिश की है। इनफैक्ट अगर मैं नॉर्मल दिखाऊँ तो नॉर्मल में ऐसी आई है। ये आप देख सकते हैं ये जो फोटो है ये मैक्रो मोड है। अब ये जो घास है ना इतनी छोटी छोटी घास थी, ये इसमें बड़ी लग रही है क्योंकि ये मैक्रो फोटो है, बट लिटरली मैं हाथ के साइज में दिखा रहा हूँ इतनी इतनी घास थी, और ये मैक्रो में लिया और देखो इसने कितनी डिटेल लिया, डस्ट तक जो इसके ऊपर है
वो सारी कैप्चर की है, बहुत छोटी घास बहुत अच्छे से आई है और बड़ी, मुझे तो बड़ी प्रोफेशनल सी फोटो लग रही है। ओके, तो ये वीडियो मैं इसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो भी इसी फ़ोन से आ रही है, कोई भी एक्सटर्नल माइक अटैच नहीं है। धूप बहुत तेज़ है बट इसके कैमरा ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है एंड मैं फटाफट से इसको एकदम से चेंज करता हूँ तो ये एकदम से फोकस भी ले रहा है एंड इसकी स्टेबलाइजेशन देखते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हिला रहा हूँ बट स्टेबल बहुत ज़्यादा रखा है इसने। अब मैं भाग के देखता हूँ, तो भाग के मैं काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था बट हाँ स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छे से हुई है एंड अगर हम देखें तो ये 0.5 पे हो जाता है, फिर जूम करें तो ये 1x है, ये नियर अबाउट आपका 3x पे चला गया, 5x चला गया, 6x तक ये मेन चला जाता है। तो गाइज यही थे इसके कुछ कैमरा के सैम्पल्स, आई होप आपको ये सैम्पल्स पसंद आए हों और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट। दैट वॉज इट, क्विक सी अनबॉक्सिंग थी आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपको लगता है ये शेयर करने लायक है। एंड ये हमारा लेटेस्ट Viva Magenta के साथ फ़ोन था जो मैंने अनबॉक्स करना था आप लोगों के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।